हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सचिव हुसैन। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो एम कनेक्ट प्लस डाउनलोड करके उसे कैसे उसमें लॉग इन करना है आप ऊपर आई बटन वाले वीडियो से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे इसमें लॉग इन करते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा के आई मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हो और उसके बैंक ऑफ बड़ौदा की सारी सर्विसेज को आप अपने मोबाइल पे एक्टिवेट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट हैं अगर आपके पास तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। हाँ, अपने मोबाइल से आप एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हो और वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एम कनेक्ट प्लस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी बजा देना। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। और जैसे ही आपके मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन होता है, आपको वहाँ जो सर्च बार दिया जाता है उस सर्च बार में आपको टाइप करना है एम कनेक्ट प्लस। जैसे ही आप उसमें टाइप करोगे एम कनेक्ट प्लस, आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का इंटरफेस शो होगा। आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करोगे आपके सामने ओपन करने के लिए बटन आएगा, आप उसे ओपन करेंगे और ओपन करने पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो अब चलिए आगे की प्रोसेस मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे बता देता हूँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो चलिए अब मैं एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है। अब आपको यहाँ पे जो ऐसा इंटरफेस दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया जाएगा एक लॉगिन का बटन। तो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यह वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था कि कैसे एम कलेक्ट प्लस एप्लीकेशन में लॉगिन किया जाता है। सो चलिए अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। तो आपको यहाँ से लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है और जिस पिन से आपने इसमें लॉगिन किया है उस पिन को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सो चलिए मैं यहाँ पे अपने पिन को एंटर कर देता हूँ। और एंटर करने के बाद हमारे सामने एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन ऐसे ओपन हो जाएगा और आपसे जो भी परमिशन मांगा जाएगा आपको उसे अलाउ कर देना है। और जहाँ जहाँ भी ये हाईलाइट होता है आपको सिंपली उस पर टैप करना है। और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिया जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां से अपने अकाउंट की बैलेंस और अकाउंट की डिटेल्स भी देख सकते हैं। यहां से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहां से मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। और यहां से आपको फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि एफडी और आरडी अकाउंट ओपन करने का आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है। आप यहाँ से अपने एफडी और आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ एफडी और आरडी अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। सो सबसे पहले आपको इस बटन पर क्लिक करना है, एफडी और आरडी वाले बटन पर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको एफडी और आरडी अकाउंट ओपन करना है तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो चलिए अब हम इस पर क्लिक करेंगे एफडी वाले पे। अगर आपको एफडी अकाउंट खोलना है तो आपको एफडी पे क्लिक करना है और यहाँ से जो ओके गॉट इट का बटन दिया गया है आपको इस बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक ऐसा पॉपअप खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपके अकाउंट का बैलेंस शो होगा और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो होगा। सो यहाँ पे आपका आपका अकाउंट नंबर शो होगा और यहाँ पे नीचे आपके अकाउंट का बैलेंस शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्कीम, इस बटन से आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे कि आप किस स्कीम को यहाँ पे फाउंड करना चाहते हैं। तो जो स्कीम आपको यहाँ से पसंद हो आप इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप डिपॉजिट में इंटरेस्ट कब चाहते हैं। आपको यहाँ पर दिया जाता है फिक्स डिपॉजिट, कम्युलेट इंटरेस्ट और यहाँ पे दिया जाता है आपको मंथली इंटरेस्ट पेमेंट। तो आपको सिंपली ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आपके अकाउंट में मंथली इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दिया जाएगा। और आप कितने रुपए का एफडी कराना चाहते हैं आपको यहाँ पे उस अमाउंट को एंटर कर देना है। सो आप जितने रुपए का एफडी यहाँ पे कराना चाहते हैं आपको सिंपली वह अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देना है। तो कम से कम आपको इसमें 1000 रुपये का एफडी अकाउंट ओपन करना होगा, कम से कम 1000, यानी कि मिनिमम आप 1000 रुपये से एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सो चलिए अब हम यहां से एंटर करेंगे। तो आप जितने पैसे इसमें ऐड करना चाहते हैं आपको उतने पैसे इसमें डाल देना है। और डालने के बाद आपको यहां जो राइट बटन दिया जाता है आपको उस पर क्लिक करना है। और आप कितने दिनों के लिए यहाँ पे एफडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है। सो चलिए अब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कम से कम
आपको एक साल यानी कि 1 ईयर के लिए आपको इसमें अकाउंट ओपन करना होगा। यानी कि आप फिक्स डिपॉजिट जब ओपन करेंगे तो आपको कम से कम 12 महीने या फिर 120 महीने यानी कि 10 साल या फिर आप 1 साल तक के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे मिनिमम आप कोई भी मंथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो आपका FD अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ से मिनिमम 12th मंथ आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ से 5 साल के लिए भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं 60। और यहाँ से आपको जो प्रोसीड का बटन दिया जाता है, आपको सिंपली इस प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सो चलिए अब हम प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि हमारे अकाउंट में अभी मौजूदा राशि कम है। हमारे अकाउंट में अभी 1686 रुपये हैं और यहाँ पे हमें 2000 रुपये इसमें डालना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2000 रुपये इंटर किया है। तो हमें सिंपली अभी FD अकाउंट नहीं खोलना है, मैंने दूसरे अकाउंट का जो दूसरे मोबाइल से अपना दूसरा अकाउंट वाला FD मैंने ओपन कर लिया है। सो इसलिए मैं इस अकाउंट से FD ओपन नहीं करूँगा। और आपको मतलब इसी प्रोसेस को अगर आप अकाउंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से अमाउंट इंटर करना है। और आप कितने दिनों के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ पे आप इंटर करेंगे और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप मतलब किस अकाउंट से इसमें मनी ऐड करना चाहते हैं। तो आपको ऐड करने के बाद आपका FD अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। सो अब चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि FD अकाउंट को कैसे क्लच किया जाता है और RD अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के सारे सर्विसेज अपने मोबाइल पर एक्टिवेट कर सकते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के FD अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और RD अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे अपने FD और RD अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सके। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में FD अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक से अधिक इंटरेस्ट दिया जाता है। आपको यहाँ पे 6.42 रुपये का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 6.42 रुपये का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक से अधिक ब्याज देता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ही अपना FD अकाउंट ओपन करें। आशा करता हूं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके मन में कहीं कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।